वैसे तो ये ओप्पो का राउटर है, मगर इसके अंदर जो है ज़ेन 5G वाला नेटवर्क है। तो इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं ये जानेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। इसकी डिटेल जो है इसके नीचे होती है पूरी, पासवर्ड वगैरह जो नया लेते हैं उसके साथ जो पासवर्ड आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, मगर हमको इसका पासवर्ड चेंज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। आपको इसका वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है तो इसका वाईफाई आपके मोबाइल में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पर चले जाएँगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज राउटर करके। अब ये मैनेज राउटर हर किसी के फ़ोन में ऑप्शन आता नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि इसका आईपी एड्रेस कैसे पता करें तो आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना है, वाईफाई की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे व्यू पे ओके करेंगे तो आपके सामने आपके राउटर की पूरी डिटेल आ जाएगी। उसी के अंदर राउटर आईपी एड्रेस करके लिखा हुआ होगा, उसको आप गूगल में सर्च करेंगे, ज़ेन 5G के होम पेज में लेके चले जाएगा, वहाँ से आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे मैनेज राउटर करके लिखा हुआ है, इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमको ले आया है यहाँ पे ज़ेन के होम पेज में। आप सोच रहे होंगे आप यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसका जो होम पेज है आपको ऐसा साइड में हटा के देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पे बेसिकली होता है एडमिन एडमिन, जो पासवर्ड और यूज़र नेम होता है वो एडमिन एडमिन होता है। अगर आपने चेंज किया हुआ है तो उस मैटर में आपको पासवर्ड इंटर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको वाईफाई सेटिंग में आ जाना है, वाईफाई सेटिंग में आके बेसिक पे ओके करना है, ठीक है। बेसिक पे ओके करने के बाद आपको इधर आ जाना है थोड़ा सा, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आपका वाईफाई का नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइड में आप लेंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा, वाईफाई पासवर्ड, ठीक है। आप यहाँ से इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, ओके करके आपने चेंज कर लेना है यहाँ से। अगर आप चाहें तो वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या अगर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से आई बटन पर ओके करेंगे तो आपके सामने आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है वो यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये सब सेटिंग करने के बाद आप अपना वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको यहाँ से सेफ पे ओके कर देना है। जैसे आप सेफ पे ओके करेंगे आपका जो वाईफाई है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपने जो पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड लगा के आप वापस से लॉगिन हो सकते हैं। तो ये है प्रोसेस वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने का ज़ेन में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ज़ेन 5G राउटर का पासवर्ड कैसे चेंज करें। जो आपके दोस्त यूज़ कर रहे हैं इस राउटर को, उनके पास आप ये वीडियो शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।